एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम आज करने वाले हैं पिकअप आइल रीडिंग, और ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ स्पेशली आपके लिए कि आप 10-10 पोर्टल के दरमियान, इस 10-10 पोर्टल पे आप क्या प्राप्त करने वाले हैं, क्या रिसीव करने वाले हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपके नेम का इनिशियल ए से लेके एम तक के बीच में आता है तो आप चूज करेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का इनिशियल एन से लेके जेड तक के बीच में आता है तो यू विल चूज पाइल नंबर 2 ऑल्सो। ठीक है, तो जानते हैं गाइज आप क्या प्राप्त करने वाले हैं इस 10-10 पोर्टल पे। इस कार्ड, इस डेक को शफल करके मैं इसमें से कुछ कार्ड निकालने वाली हूँ फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 के लिए। इंटरेस्टिंग, ये फाइल नंबर 1 के लिए 2 कार्ड्स एंड फाइल नंबर 2 के लिए भी देखते हैं क्या एनर्जीज आई है। यहाँ पर 3 की गाइडेंस मिली है और बॉटम से एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, पैशन की एनर्जी है। कुछ चीजें अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो चीजें आपकी पूरी हो सकती हैं। तो लेट्स मूव टू फर्स्ट फाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का इनिशियल, मैंने दोनों पाइल्स आपके सामने रखे हैं, अगर आपके नेम का इनिशियल ए से लेके एम तक के बीच में आता है तो देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है। आपकी तरफ आ रही है ग्रोथ, आपकी तरफ आ रही है गुड न्यूज, अबंडेंस। करियर में आपका बहुत सारा फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, बहुत सारा पैसा आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। आपको मिलने वाला है माँ का आशीर्वाद, माँ दुर्गा का आशीर्वाद, क्योंकि साक्षात प्रकृति है और ये एम्प्रेस एनर्जी है। फर्टिलिटी का प्रॉब्लम चल रहा था, कंसीव करने में दिक्कत थी आपके घर में, आपको किसी न किसी को अगर दिक्कत है तो आप वहां पर भी देखेंगे कि कंसीव कर लिया या डिलीवरी हो गई, ये चीजें आप देख सकते हैं। करियर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ, आप नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कहीं रोका हो सकता है। इवन एनर्जीज है कि आप कहीं घर मकान लें, जमीन लें और उसका उद्घाटन करें, उसका मुहूर्त करें। कुछ लोग ऐसे टाइम पर कुछ नया बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा इनॉग्रेशन फंक्शन हो सकता है। लव लाइफ की भी अगर बात करें तो आपकी लाइफ में जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसका आपको फल मिल सकता है ये 10-10 पोर्टल पे। जो भी बीज बोया है और वो वृक्ष बन के तैयार है तो उसके जो फल है वो अब गिरने का समय है। आपको बहुत ज्यादा स्पिरिट्स गाइड करेंगे पॉजिटिव रहने के लिए, आप बहुत ज्यादा अलाइनमेंट में आएंगे और आपके अंदर जो फेमिनिन शक्ति है, जो फेमिनिन एनर्जी है वो जागृत होगी। तो ऐसे में आप बहुत सारी चीजों को लेट गो भी करेंगे जो आपको सर्व नहीं हो रही, आपके अंदर ममता का जो भाव है वो जागृत होगा। ठीक है, किसी फीमेल फिगर से भी, किसी फीमेल से आपको सपोर्ट मिल सकता है इमोशनल और फाइनेंशियल लेवल पे। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोली दिया आपको बहुत सारी फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चीजों को लेकर गंभीर होंगे, सीरियस होंगे। ठीक है, आपके फल पाने का समय है ये। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों में कैसे पेड़ों पर फल लगे हुए हैं, इधर ग्रेप्स भी हैं, इधर एप्पल भी है, इधर एप्पल है पूरा का पूरा, यहाँ पे फूल खिले हुए हैं, यहाँ पर अशर्फियां हैं, यहाँ पर सोने के सिक्के हैं और यहाँ पर कैट की गाइडेंस हो सकता है। कैट आपके ड्रीम्स में आए, डॉग आपके ड्रीम्स में आए, स्पेशली व्हाइट डॉग आपके ड्रीम्स में आ सकता है। आपकी हीलिंग होगी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें अनलॉक होंगी जो आपके ही अपने अच्छे कर्मों का फल रहेंगी। करियर में आप कुछ नया किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बिजनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि आपका कोष भरेगा, आपका जो पैसे का जो जगह है, आपका अकाउंट भरेगा पैसे से। ठीक है, पेमेंट्स आ सकते हैं आपके रुके हुए। इवन आप कुछ नई चीजों को बो सकते हैं, जैसे कुछ समथिंग काइंड ऑफ अ स्टार्टअप हो सकता है। इवन आपको किसी के द्वारा कमिटमेंट मिल सकती है, यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है फुल पाइल नंबर 1 वालों के लिए। तो ये पाइल नंबर 1 के लिए एनर्जीज आई है निकल के, जिसके साथ भी रेजोनेट करे जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। अगर आपके नेम का इनिशियल एन से लेके जेड तक के बीच में है तो जानते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, आप क्या रिसीव करने वाले हैं। मजिशियन, आपके अपने मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख के भी आपको चीज बोली थी दोनों को, आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से लव प्रपोजल एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो आपको मिल सकता है। सिंगल चल रहे हैं तो न्यू लव आपके लाइफ में आ सकता है। लव लाइफ में क्लैरिटी चाह रहे थे, पार्टनर से बात हो जाए, मीटिंग हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है आने वाले टाइम में। कमिटमेंट आपको मिल सकती है, जो आपने जिसके लिए क्रियाएं की हैं, जो मैनिफेस्ट किया है, जिसके लिए अच्छे काम किया, अच्छे रास्ते पर चलना शुरू किया, खुद को शांत किया, उन्हीं चीजों पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा जो भी मैनिफेस्टेड है।
ठीक है, एक साथ मैं नहीं बोलूंगी कि ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, जो भी आपने ज्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया होगा वही आपको मिलेगा। अगर आपने पहले करियर मैनिफेस्ट किया है तो वहां ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और अगर आपने लव लाइफ ज्यादा मैनिफेस्ट की है तो वहां पर चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। आपका सामना, आपको क्लैरिटी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकती है जिसने जिंदगी में गुस्सा तो दिखाया है लेकिन न्यायपूर्ण व्यक्ति रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी है आपसे उम्र में बड़े होंगे, आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर प्रैक्टिकल होंगे, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जागृत होगी। जहां जहां पे आप इमोशनल रहे हैं, आपको लॉसेस उठाने पड़े हैं, आप प्रैक्टिकली एक्ट करेंगे चीजों पर, बहुत ज्यादा ज्ञानवान बनेंगे, और एनर्जी ऐसी रहेगी आपकी कि आप क्लियर है अपनी तरफ से, अब आगे किसी को क्या करना है आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अपनी तरफ से सच बोला है, आपने अपनी तरफ से चीजें की हैं, तो अब आप उन्हीं पर स्टक रहेंगे। आप मैस्कुलिन बिहेव करेंगे पूरी तरीके से, जैसे एक मैच्योर इंसान डील करता है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स। आपके पास आने वाले हैं ढेर सारे प्रपोजल्स, अपॉर्चुनिटी। ये आपके लव लाइफ में हो सकती है कि एक साथ आपको एक से दो तीन लोग प्रपोज करते हैं। करियर में आपको नए नए ऑप्शंस के आइडियाज आ सकते हैं कि आप ये चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहीं घर लेना चाह रहे हैं, रेंट पे लेना चाहते हैं, अपना करना चाहते हैं, आपको अलग अलग ऑप्शंस आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। इस बीच में कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे, ऐसे में आपको अपने माइंड बॉडी सोल की आवाज को सुनना चाहिए। आप में से कुछ लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, या वहां से आपको अर्निंग मिल सकती है, आपको पैसा रिसीव हो सकता है जहां पे आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था। नियरली अराउंड 7 days, 7 weeks और 7 months के अंदर कुछ लोगों के लिए जुलाई का मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपने तब इन्वेस्ट किया था और आपको अब जाकर आपका क्या मिल रहा है, इन रिटर्न पैसा मिल रहा है, इन रिटर्न आपको एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे काइंड ऑफ अ मैजिक विल टेक प्लेस। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई है। अपनी आत्मा से सही चीजों का ही चुनाव करें जिससे आप भ्रमित ना हो बड़ी सारी चीजों के बीच में, क्योंकि आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे क्योंकि आपके सामने वो चीजें आएंगी। ठीक है, तो जो भी जिस तरीके से आपको एक्ट करना है, डील करना है, बहुत सोच समझ के मेच्योरिटी के साथ आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। सो गाइज, ये थी दोनों ही पाइल्स की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।